माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। बच्चों, अब हम कक्षा 7 के रुचिरा पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथमा पाठ शुभाषितानि। शुभाषितानि का मतलब होता है सुंदर, भाषितानि कही गई, सुंदर कही गई बातें। देखें, यहाँ संस्कृत के कुछ श्लोक हैं, हम उनको पढ़ करके उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम मन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किञ्चिदाचरेत धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तो लज्जः सुखी भवेत् क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। बच्चों, अब हम इन श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखें, पृथिव्याम, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं, जलम यानी जल, अन्नम यानी अनाज भोजन, और सुभाषितम, सुभाषितम सुंदर बातें, सुंदर कथन। मूढ़े, मूढ़ लोगों के लिए पाषाण खंडेश, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दिखाई पड़ती है, या रत्न पाषाण खंड ही उनको रत्न प्रतीत होते हैं। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही सूर्य तपता है, ऊष्मा प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्येन सत्य से ही वाति बहती है, वायु हवा, सत्य से ही वायु बहती है, हवा बहती है। सर्वम सब कुछ सत्य, सत्य में प्रतिष्ठितम उपस्थित है, तद हर कार्य सत्य के माध्यम से होता है। दाने, दान में, दान करने में, तपसि तपस्या करने में, शौर्य वीरता में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनये नम्रता में, और नये नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, ये बहुत से रत्नों वाली है, विभिन्न प्रकार के योग्यता के व्यक्ति संसार में उपलब्ध हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भी भले लोगों के द्वारा ही, भले लोगों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भी भले लोगों से ही कुर्वीत करनी चाहिए संगतिम, भले लोगों का ही साथ करना चाहिए। सद्भी विवादम मैत्रीम च, जो भले लोग हैं उनके साथ ही वार्तालाप करनी चाहिए और मैत्री करनी चाहिए। न असद्भि, जो असत्य लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, किंचित आचरेत,
उनके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेश, अपने धन को अपने अनाज को प्रयोग करने में, और विद्याया संग्रहेशु, विद्या के इकट्ठा करने में, अर्जन करने में, अर्थात पढ़ने लिखने में, अपने धन धान्य का, अपनी संपत्ति का प्रयोग करने में और विद्या का संग्रहण करने में, आहार भोजन में, व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए, और सुखी भवे, सुखी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शंका कर यदि कोई व्यक्ति अपने आहार व्यवहार में, विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में शर्म करेगा तो फिर सुखी नहीं रहेगा। क्षमा वशीकृतिर लोके, क्षमा करने वाले व्यक्ति के वश में संसार हो जाता है। क्षमा वशीकृतिर लोके, जो क्षमा है वो संसार को वश में करने वाली है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा कौन सा साधन नहीं बनता। शांति खड्गः यस करे यश, करे मतलब हाथ में, यस जिसके, शांति रूपी खड्ग है। किम करिष्यति दुर्जनः, उसका जो दुर्जन है, जो बुरा व्यक्ति है, वो क्या करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।